कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर में प्रदेश सरकार ने आंशिक लॉकडाउन का सहारा लिया है, लेकिन बड़े व्यापारियों की होल्डिंग पर सरकार का प्रभावी अंकुश न होने से रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली आवश्यक खाद्य सामग्री की खुदरा कीमतें आसमान छूती जा रही हैं। जनता मजबूरी में बड़ी कीमतों पर खाद्य वस्तुएं खरीदने को मजबूर है। इस संबंध में थोक गल्ला मंडी के एक बड़े आढ़ती से जब बात की गई तो उनका कहना था कि हाँ रेट बड़े हैं लेकिन दोगुना हो गए हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि बाहर से पाम ऑयल आना बंद होने के बाद से रिफाइंड और तेलों के दाम बढ़ने शुरू हो गए थे। थोड़ा बहुत इस बीच भी माल की आवक कम होने से बढ़े हैं। इसके अलावा दाल मिल हो या राइस मिल, इस कोरोना काल में 60% मिलें बंद हो चुकी हैं, जिसके चलते अनाज के दाम प्रभावित हुए हैं। लॉकडाउन में आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन पूरे प्रदेश में ऐसी खबरें आ रही हैं कि अनाज और फल सब्जियों की मंडियों के थोक कारोबारियों की ओर कई खाद्य सामग्रियों की कीमत अप्रत्याशित रूप से वृद्धि कर दी गई है, इससे असंतुलित हो रहा है। इस संबंध में जानकारों का कहना है कि सरकार की ओर से रोक न होने के बावजूद ट्रांसपोर्ट के लिए वाहन न मिलना, लेबर न मिलना, मिलों का एक इस सब का कुछ न कुछ इफेक्ट 100 रुपए में चल रही थी, इस समय 901,000 रुपए चल रहा है। महंगाई आपके व्यापार में क्या फर्क पड़ रहा है? बहुत फर्क है व्यापार में, इस समय बहुत कम चल रहा है व्यापार महंगाई के चलते हुए। इफेक्ट तो पड़ेगा ही। कोरोना संकट के इस दौर में जबकि हर 5 व्यक्तियों में औसतन एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो रहा है और उसको जाना पड़ रहा है, ऐसे में वैसे ही लोगों की आमदनी घट रही है। राजेश मिश्रा नाम का, मैं सचिता स्कूल का शिक्षक। महंगाई के लोग क्या कहना चाहते हैं? महंगाई को क्या बताया जाए, महंगाई तो इस समय गगन छू रही है। महंगाई के बारे में क्या, तेल जो है 100 रुपये केजी रहता था, इस समय जो है तेल जाकर के 70-80 में पहुँच गया है। आम जनता के अप्रोच में भी रह गया है तेल, है जो लोग रोजमर्रा की जिंदगी जीवन बसर कर सकते हैं। बताइए, सरकार महंगाई को रोकने में नाकाम साबित हो रही है? हाँ, सरकार महंगाई को रोक सकने में नाकाम साबित हो रही है। जो आम जनता है, जो रोजमर्रा के दैनिक जीवन वाले लोग हैं, वो अपना परिवार भरण पोषण करने में असक्षम होते चले जा रहे हैं और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में बड़ी कीमतें कमर तोड़ने का काम कर रही है। महंगाई को लोग क्या कहना चाहते हैं? अरे महंगाई से क्या बढ़ जाए, चला क्या क्या दिक्कत हो रही महंगाई का? सब चीज में दिक्कत है, खाना कुछ नहीं, अब इतने खाए वाले लड़का बच्चा कुछ नहीं मिल रहा। गैस सिलेंडर कितने मिल रहे इस समय आपको? अभी तो महंगा है, 600 मालूम है, क्या करें मरे, 200 रुपये में कहाँ हो गैस और आ गए। तब महंगाई को लोग क्या बहुत परेशान। कोरोना काल में दवा से लेकर इलाज तक के खर्च में सामान्य परिवारों के पसीने छूट रहे हैं। साधारण से ऑक्सीमीटर की कीमत 700 रुपए से बढ़ाकर 1600 की कीमतों में भी 10-15% का इजाफा हुआ है। दूसरे खाद्य पदार्थों के दामों में काफी बढ़ोतरी हुई है। यहां अरहर 100 से 115-120 रुपए प्रति किलोग्राम, मूंग धुली 110 रुपए, मूंग दाल 120 रुपए व चना दाल 80 रुपए से 85 रुपए प्रति किलोग्राम सहित आलू प्याज लहसुन के साथ साथ नींबू तक की कीमतें बढ़ गई हैं। कीवी और संतरे के दाम भी मांग ज्यादा होने से लगातार ऊपर चढ़ रहे हैं। क्या करते हैं? वही मजदूरी करता हूँ, 100-150, 200। महंगाई के लोग क्या कहना चाहते हैं? महंगाई के बारे में तो पूछो ना, महंगाई इतनी हो गई है कि यहाँ कुछ समझ में नहीं आता। 100-150, 200 रुपए में कुर्ता नहीं है, काम धाम है नहीं हमारे लिए, काम धाम नहीं कर रहेंगे तो बैठ बैठ के खा रहे हैं, तो बैठ बैठ के खाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, यही सोच रहे हैं। सरकार की तरफ से अभी तक कोई आपको लाभ नहीं मिला? सरकार की तरफ से तो कोई, पूरी जिंदगी जा रही तो कोई लाभ नहीं है हमारे लिए, है ना। कोई सरकार हमारे लिए कुछ कुछ कर रही है कि क्या क्या समस्या है, क्या है, कुछ नहीं है हमारे घर में द्वार है। मेरा नाम रवि धनगराज, महावीर महंगाई को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? महंगाई के बारे में मैं क्या बताऊं, चरम सीमा में छू रही है, जिससे हम लोग का यापन जो बहुत दैनिक स्थिति में चला गया। और जहां हमको जो है तेल मिलता था 100 रुपए किलो, आज मिल रहा है 190 रुपए किलो। इस कदर महंगाई छाई है कि हमारे दैनिक जीवन में बिल्कुल कलंक लग गया है, और ना ही हम कमा पा रहे, ना ही हमारे आगे कोई व्यवसाय का चर्चा बचा।
सरकार महंगाई को लेकर जो भी नियम कानून बना रही है उससे कोई फायदा मिल रहा है? नियम तो बहुत बना रहे हैं लेकिन फॉलो नहीं हो रहा है, गरीब स्तर तक वो फॉलो पहुँच ही नहीं पा रहा। उसके बारे में जानकारी कागज पत्र में लिखा जा रहा है कि ये, लेकिन कागज में कभी सही डिटेल नहीं दिया गया कि मान लो 100 रुपए किलो तेल है 190 में क्यों दिया जा रहा है, ये हमें इसके बारे में नहीं समझ में आ रहा। अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार। नमस्कार। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर में प्रदेश सरकार ने और दूसरे प्रदेशों की सरकार ने भी कहीं आंशिक कहीं पूर्ण लॉकडाउन लगाए, जिस क्रम में कोरोना वायरस भारत में बहुत तेजी से फैल रहा था, लगभग 4 लाख के ऊपर प्रतिदिन मरीज मिल रहे थे और जिस हिसाब से लोगों के मरने का आंकड़ा दिया जा रहा था, उससे सभी सरकारें, केंद्र सरकार, प्रदेशों की सरकार, सभी बहुत डरे हुए थे कि आने वाले समय में क्या होगा। इसी क्रम में प्रदेशों ने लॉकडाउन लगाया। सरकार का पूरा ध्यान कोरोना से पीड़ित लोगों को बचाने में, ऑक्सीजन की व्यवस्था करने में, दवाइयों की उपलब्धता कराने में रहा, लेकिन इस बीच व्यापारी वर्ग ने देश में धीरे 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 महंगाई बढ़ाना शुरू कर दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि खाने पीने की चीज़ें, फल, सब्जी, तेल, दालें, सभी का भाव आसमान छूने लगा। जनता पे दोहरी मार पड़ गई। एक तो वो अपने मरीज को हॉस्पिटल में उसका इलाज कराए, उसको दवा खरीदे, कि डॉक्टर का पैसा दे, कि टेस्ट कराए, और दूसरा ये कि अगर मरीज को फल खिलाना है, मरीज को अच्छी सब्जी खिलानी है, मरीज को दाल खिलानी है, तो वो बाजार पे बहुत आसमान छूती कीमतों पर मिल रहा है। एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि सरसों का तेल जो 100 रुपये लीटर से कुछ दिन पहले था, आज उसकी कीमत 180 रुपये लीटर। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए जनता पर दोहरी मार पड़ी। एक तो बीमारी के इलाज का खर्चा, दूसरा उसको खाने पीने के लिए जो ज़रूरी सामान है उसको खरीदने का खर्चा, जिस पर कि दुगना रेट, डेढ़ा रेट हो गया। इसमें थोक व्यापारियों से भी, आढ़तियों से भी बातचीत की गई, तो उनका कहना है कि हाँ रेट बढ़े हैं, कुछ चीज़ों के दुगने भी हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब चीज़ों के रेट दुगने हुए हैं। उनका कहना था कि पाम ऑयल जो था वो बाहर से आना बंद हो गया, उसकी वजह से रिफाइंड और तेल के दाम बढ़ गए और इस हद तक बढ़ गए कि वो 180 रुपये लीटर तक पहुँच गए। अभी भी जो मार्केट का ट्रेंड है वो 170-180 के बीच ही तेल का चल रहा है, रिफाइंड का चल रहा है। दाल में भी 15-20 रुपये किलो का दाम बढ़ा, जिसके चलते जो है वो अनाज के दाम भी प्रभावित हुए। कोरोना काल में व्यापारियों का कहना है कि दाल मिलें, राइस मिलें, 60% बंद हो चुकी है। लॉकडाउन में आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर तो हालांकि कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन पूरे प्रदेश में और देश में अनाज और फल सब्जियों की मंडियों के थोक कारोबारियों की ओर से कई खाद्य सामग्रियों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। इससे आम लोगों का जो रसोई का बजट है वो असंतुलित हो गया।
इस संबंध में जानकारों का कहना है चूँकि पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते रहे, उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया, वाहनों का न मिलना, लेबर का न मिलना, मिलों का एक एक कर बंद होते जाना, इन सब का भी मिला जुला इम्पैक्ट इस महंगाई पर रहा है। कोरोना संकट के दौर में जबकि हर 5 व्यक्तियों में औसतन एक व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव हो रहा है और उसके साथ परिवार को भी क्वारंटीन में जाना पड़ रहा है, ऐसे में वैसे ही लोगों के व्यापार, लोगों की नौकरियां, प्राइवेट नौकरियां तो लगभग मान के चलिए कि 60-70% लोगों की चली गई, आमदनी घट गई, इनकम कोई रही नहीं, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में जनजीवन की पूरी तरह कमर टूट चुकी है। जनजीवन जो है पूरी तरह प्रभावित है, आम जनता पूरी तरह त्रस्त है, लोगों के पास पैसा नहीं है क्योंकि इनकम का जरिया तो बंद है फिलहाल और खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं, बीमारी का भी खर्चा है प्लस ये मार्केट से सामान खरीद के लाओ खाने पीने का तो उस पर भी जबड़ा दूना रेट। कोरोना काल में दवा से लेकर इलाज के खर्चे में सामान्य परिवारों के पसीने छूट गए। प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप कोरोना मरीज का इलाज करा रहे हैं तो 1.5 लाख-2 लाख इस तरह के बिल बनते हैं। आदमी किस तरह से मरीज को बचाने की कोशिश करता है, उसके बाद भी वो उसमें कामयाब हो पाता है नहीं हो पाता है। साधारण से साधारण ऑक्सीमीटर जो जिसकी कीमत 700-800 रुपये होती है, आज वो मार्केट में 3,000-2,500 ये कीमतें हो गई ऑक्सीमीटर। तो मध्यम वर्गीय परिवार पहले ही पेट्रोल और डीजल के दाम से त्रस्त था, गैस के दाम से त्रस्त था, अब उसको इन सब चीज़ों के लिए भी पैसे की व्यवस्था करनी है, इनकम बंद है या ना के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में आम जनता पूरी तरह से जो है परेशान। सरसों का तेल, रिफाइन के खुदरा भाव हर शहर में बहुत ज़्यादा बढ़े हुए। कोरोना काल के बीच महंगाई पर सरकार भी उतना ध्यान नहीं दे पाई जितना ध्यान देने की आवश्यकता है, इसका फायदा उठाकर लोगों ने महंगाई को भी आसमान पर पहुंचा दिया। महंगाई की मार झेल रहे शहरवासियों की या ग्रामवासियों की स्थिति बहुत ही गंभीर है, बिकट है। जिला प्रशासन की ओर से भी खाद्य पदार्थों की कीमतों पर नियंत्रण रख पाना, दुकानों पर रेट चार्ट दुकानों पर लगाने के निर्देश देना, या अधिकांश दुकानों पर तो रेट चार्ट होता ही नहीं, खुदरा दुकानदार कहते हैं कि जब हमें महंगा मिल रहा है तो हम महंगा बेच रहे हैं, हम कहाँ से सस्ता। दाल की कीमतें भी 15-20 रुपये के करीब बढ़ी, दूसरे खाद्य पदार्थों के दाम भी बढ़े। फलों का तो ये आलम है कि कीवी एक पीस अगर आप खरीदेंगे तो 60-70 रुपये की, 250 रुपये किलो सेब का भाव, 150 रुपये किलो अंगूर का भाव, 40-50 रुपये खरबूजा किलो। तो उस स्थिति में आम जो जनजीवन है वो पूरी तरह से बहुत ज़्यादा प्रभावित है और लगातार इसके दाम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। अभी भी सरकारों का ध्यान महंगाई की तरफ उतना नहीं है जितना होना चाहिए और सरकारों को चाहिए कि महंगाई पर नियंत्रण करें। लोग बहुत परेशान हैं, लोग डबल महंगाई की मार झेल रहे हैं, तो हम इन्हीं बातों के साथ आपसे अनुमति चाहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।